सुकून वाला इंजेक्शन दे दिया है, ये काफ़ी देर बाद जागेंगी। असल में इनकी हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि ये लाजमी था। ठीक कह रहे हो, इनको आराम की ज़रूरत है। चलें। अफजल। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। इतनी सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके तुम मेरे साथ आए, क्या ये एहसान कम है? और वैसे भी तुम्हारी फीस है, रख लो। चले आप कहते हैं तो रख लेता हूँ मैं। और हाँ, लड़की की हालत खासी पतली है, एक आधा ड्रिप और लगेगा। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। मैं भागता हुआ आ जाऊंगा, आप फिक्र ही ना कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरी बच्ची, मेरी मासूम फरिश्तों जैसी बच्ची, तनी किसकी बातों में आकर कहाँ चली गई थी? मम्मी जी, क्या हो गया, आप क्यों रो रही हैं? रो रो कर अपने आप को हलकान कर देंगी क्या? तो शुक्र अदा करना चाहिए ना कि मुश्क खैरियत से घर वापस आ गई है, यही काफी है हमारे लिए। नहीं अम्मा, काफी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ अधूरा है। तुम बस दुआ करो कि सब खैरियत हो। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मा कि मुश्क ने अपने आप को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दिए। संभाले अपने आप को। मुझे तो उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। ये कोई मामूली बात नहीं है। उसके पास दुपट्टा नहीं था, पैरों में चप्पल नहीं थी, वो रात कहाँ गुजार कर आई, किस हाल में आई, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। इर्तज़ा, मेरी एक बात गौर से सुनो। अगर अब भी तुम यही सोच रहे हो कि तुमने इसी लड़की से शादी करनी है और इसी खानदान से रिश्ता जोड़ना है, तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी सूरत में मैं और तुम्हारी मां इस शादी में शिरकत नहीं करेंगे। मैंने बहुत मार्जिन दिया उन लोगों को, लेकिन अब मैं यकसर उन्हें रिजेक्ट करता हूं। मैं भी आती हूँ। जो लड़की कॉलेज में मेरी पॉकेट मनी पर याशी करती रही, अपनी मासूमियत से लड़कों को बेवकूफ बनाती रही, ना लूं तो क्या कहूँ उसे? आपको पता है आपके साथ होती ना तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं लगता। अब अगर डर है ना तो सिर्फ इस बात का इंतजार के अगर कभी आपका ही साथ ना रहा तो। सहबा बीबी, आपकी चाय रख दो जी। अच्छा,
सहबा तुमने मेरा नंबर इत्तेजा को क्यों दे दिया मुझसे पूछे बगैर? मेरी जान, मैंने जो कुछ किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। देखो जब इत्तेजा तुम्हारी लाइफ में आएगा तो तुम्हें एक लड़की की इंटीमेट फीलिंग्स होती है ना, तो वो महसूस कर सकोगे। मुश्क मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसी फीलिंग्स महसूस कर सको। जूस पियो। इर्तिजा आया अंदर? नहीं, कोई भी नहीं आया। अबर आज क्या तारीख है? 14 अप्रैल। अबर मुझे इर्तिजा से बात करनी है। पागल हो गई हो मुश्क? अब्बू जी ने साफ मना किया है कि हम में से कोई भी पहल नहीं करेगा जब तक वो लोग कॉल नहीं कर लेते। ये मेरी जिंदगी का मामला है, अब्बू जी की जिंदगी का मामला नहीं है। अंबर मेरी इर्तिजा से बात करना बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज 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 मुझे फोन ला दो, मुझे उससे बात करनी है। अजनबी से एहसास से तुमने मुझे मुतारिफ करवाया है, मैं कभी इससे पहले वाकिफ ही नहीं थी। तुमने मुझे मोटिवेट किया, वरना मैं कभी भी इर्तिजा की तरफ कदम ना बढ़ाती। क्या बात है, बोलो। रिजा, आप ये कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? आपके लहजे में इतनी तलखी क्यों है? शाबाश मुश्क, तुम अभी मुझसे ये सवाल कर रही हो। लेकिन रिजा, सारे मामले में मेरी कोई गलती नहीं है। आप प्लीज मुझसे आके मिले, मैं आपको सारी बात बताना चाहती हूँ। आप फिर खुद डिसाइड कीजिएगा कि कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह है। ठीक है, मैं जरूर तुमसे मिलूंगा। बस मेरे चंद सवालात का पूरी दयानतदारी से जवाब दे दो। कल रात कहाँ थी?